डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे हम लोग थ्री आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ए क्या है? आपका एंगल है, राइट एंगल का एक्यूट एंगल है ए। सेकेंड, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये थ्री आइडेंटिटी है, इसको आपको लर्न करनी है। ओके, इसको हम प्रूफ भी करेंगे ए कैसे आया। ओके, तो ए क्या है बेटा? जो ए क्या है, यहाँ पे हमने क्या के लिए एंगल लिया है। एंगल, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ देंगे, जो एंगल यहाँ पे टेन के साथ वही सेक के साथ आएगा। ऐसे नहीं कि एंगल चेंज हो जाएगा। ओके, तो ए है क्या? एक्यूट एंगल है, जिसे ए बी सी आपका राइट एंगल है, जिसमें एंगल बी क्या 90 डिग्री है। तो एंगल ए और सी क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। इस दोनों एंगल को मिला के क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यानी ए और सी दोनों क्या है? 90 से लेस है, एक्यूट एंगल है। एंगल ए क्या है कि एंगल ए या ए कर दो, ए इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, एक्यूट एंगल है। एंगल ए क्या है? एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल है। ओके, एंड दैट इज एंगल ए जो होगा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है? 0 और 90 डिग्री के बीच लिख सकते हैं आप। एज होगा 0 हो सकता है और 90 से लेस होगा, यानी ये एक्यूट एंगल है। ओके, तो आप कोई भी एक्यूट एंगल दो यहाँ बच्चे, जैसे सपोज करो आपने दे दिया 20 डिग्री, तो यहाँ 20 देंगे, यहाँ भी 20 देंगे, दोनों तो एंगल सेम है। तो कहेगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, ए के सभी वैल्यू पे, जो एक हमने क्या बताया, ए क्या एक्यूट एंगल है, कोई भी एक्यूट एंगल हो तो उस केस में हमेशा इसका स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 आएगा। जैसे कोई बच्चे कहेगा हम 10 डिग्री लें, ठीक है, कहेगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 1। ओके, जो एंगल यहाँ देंगे वही एंगल यहाँ देंगे, तो हमेशा दोनों के स्क्वायर का सम क्या आएगा? 1 आएगा। ये आइडेंटिटी है एंगल ए के सभी वैल्यू, जो भी एक्यूट एंगल है सभी वैल्यू के लिए क्या होगा? ये रिलेशन होल्ड करेगा। एंगल 1, एंगल 1 लो, 2 लो, कुछ भी लो, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, दोनों के स्क्वायर का सम। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बच्चे, कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, प्लस इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? और इसे लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर साइन स्क्वायर को इधर ले जाए तो प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो आप चाहो तो ये भी आप याद रखो, डायरेक्ट कहीं भी 1 माइनस, कहीं भी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा रहेगा, इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो ये हमने क्या किया, जो आइडेंटिटी यहाँ पे है इसी से हमने डिराइव किया ये दोनों। ओके, तो मेन आपको ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या? तो 1। इसी से बाकी दोनों को हमने क्या किया, इस दोनों को डेरिवेशन किया है। ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। या ऐसे कर सकते बच्चे, देखो तो अगर सपोज करो 1 को इधर ले जाओ तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? और
और 10 स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। 1 को इधर लाएंगे तो बेटा प्लस माइनस हो जाएगा। ओके और ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर माइनस हो जाएगा, चूँकि ये प्लस है तो राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। ओके तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके हमने क्या किया, इस 10 स्क्वायर को हमने इधर ले आया, प्लस माइनस हो गया, तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 1 इक्वल टू 1 हो गया। ओके तो ये सारे तीनों जो है एक ही आइडेंटिटी है, इसी से हमने डेरिवेशन किया इस दोनों को इसी से डेरिवेशन कर किया है। तो आप तीनों को आप इंडिविजुअली याद रखिए, कभी आपको लिखा रहेगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखा रहेगा तो इसके जगह पर लिखेंगे sec स्क्वायर। ओके कभी आपको sec स्क्वायर माइनस 1 लिखा रहेगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर। कभी sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ये लिखा रहेगा तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1। ओके एक ही सारी आइडेंटिटी है बस। ओके आते थर्ड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ए, हम कॉट स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो प्लस इत माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कोसिक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके 1 को इधर लाया तो क्या, इसको 1 को मैंने इधर लाया तो प्लस 1 प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस में आ गया, इस साइड माइनस में आ गया, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल हो गया 1 कोसिक स्क्वायर ए माइनस 1। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि कॉट स्क्वायर ए को इस साइड ले आओ तो प्लस इधर माइनस हो जाएगा, इस साइड क्या होगा, कॉट स्क्वायर माइनस में आ जाएगी चूँकि इस साइड प्लस में है, तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके तो ला रहे और कोसिक स्क्वायर ए हमने क्या कि इसको इधर लाया था, प्लस इधर माइनस हो गया, तो कोसिक स्क्वायर में कॉट स्क्वायर क्या होगा, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1। ये कितना बचा यहाँ, 1। ओके जिस तरह से इसका भी 3 पार्ट हो गया। तो मेन आपका क्या है, मेन आइडेंटिटी आपका ये है और ये दोनों क्या है, इसी से डेरिवेशन किया। ओके ठीक है बच्चे, तो मेन रूप से आप इस आइडेंटिटी याद रखनी, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1, अरे प्लस है ना यहाँ पे, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर ए। और थर्ड में क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए, ठीक है। 10 स्क्वायर में क्या आएगा, sec स्क्वायर आएगा, cot स्क्वायर में क्या आएगा, अगर cot स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, कोसिक स्क्वायर आएगा। ओके इसे लर्न करनी अच्छे से, आते हम इसे प्रूफ करते हैं। ओके इजी प्रूफ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके तो आते हैं, फर्स्ट पहले प्रूफ करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ओके आप प्रूफ करते हैं हम लोग। ओके तो आपके पास क्या, एक राइट एंगल ए बी सी है, ए बी सी एक राइट एंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल बी के जो अपोजिट में साइड है ए सी, ए सी क्या है आपका हाइपोटेनियस है। ओके अब इस एंगल ए के लिए ध्यान दीजिए, हम एंगल ए ले रहे हैं, एक्यूट एंगल है, इस एंगल के लिए ए बी बेस हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए के अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो हमने एंगल ए लिया है
एंगल ए के अपोजिट में कौन साइड है, बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर पी हो गया। ओके अब आते हैं, ये राइट एंगल है, लेट कर लिया, ए बी सी इज ए राइट एंगल इन विच एंगल बी कितना है 90 डिग्री। ओके तो इस एंगल के लिए ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय पी जी टी बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें ए सी है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटे, यानी अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी स्क्वायर, ये होता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये होता है। यानी कि ए कैप ए बी यहाँ पर बेस है और बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच का स्क्वायर, ए सी एच है, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ओके कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है अदर टू साइड का स्क्वायर का सम, अदर टू साइड ए बी और बी सी है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर। ओके अब देखो बच्चे, ये हमने यूज कर लिया, अब आता है, अब देखो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। देखो अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं, पहला पार्ट। ओके फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम लोग, अब हम ऐसा करते हैं दोनों साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, ये प्रूफ करना हम चाहते हैं, ये वन हो जाए, वन होने के लिए जितना ए सी से डिवाइड करना होगा, अगर ए सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वन हो जाएगा ना, तो ए सी स्क्वायर इधर से डिवाइड करें तो दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। ओके तो कर लेते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो गया ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, इसमें दोनों में डिवाइड, इधर इधर इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा दोनों, और इधर भी डिवाइड होगा, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो बच्चे ए तो कट के वन हो जाएगा ना, होगा वन, अब देखो ए दोनों पे स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइड एट क्या आएगा, एक मिनट दिस इम्प्लाई दैट ए बी डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइड बाय ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके अब देखो ए बी बाय ए सी, ए बी है क्या, देखो तो एंगल ए के लिए ए बी बेस है, ए बी क्या बेस है और बी सी क्या परपेंडिकुलर है और ए सी क्या हाइपोटेन्यूस है, तो हम देखो यहाँ पे एंगल ए के लिए क्या हो गया बच्चे, दिस इम्प्लाई दैट तो ए बी बाय ए सी, ए बी क्या बेस और ए सी है हाइपोटेन्यूस, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है कॉस होता है, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए यहाँ लिखना लिख देता हूँ मैं,
बी बाय एच का स्क्वायर प्लस बी सी यहाँ क्या परपेंडिकुलर है, पी है, और ए सी क्या एच है, ये क्या दिया हो बी सी, यानी बी सी क्या हो गया पी डिवाइड बाय एच, जो ए सी हाइपोटेन्यूस है इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा हम कौन सा एंगल लें, एंगल ए के लिए तो बी बाय एच होता है कॉस, कॉस ए का स्क्वायर प्लस पी बाय बी, पी बाय एच होता है साइन, एंगल क्या ए है साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके यहाँ पर साइड में लिखना चाहो लिख दो, सिंस बी बाय एच होता है कॉस ए और पी बाय एच होता है साइन ए। ओके हम पी बाय एच की जगह पर साइन ए लिख दिया, तो यह प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, हो गया प्रूफ हो गया, देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। ओके फर्स्ट पार्ट, अब सिमिलरली सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट प्रूफ करनी है क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो आते हैं कर लेते हैं, मुझे टेन लाना है सेकेंड पार्ट, फिर भाई इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी क्या है डायग्राम वही है, क्या होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पी जी टी, क्या होता है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर, डायग्राम बनाना बना लो डायग्राम रफ। ओके ओके ए बी सी ये 90 डिग्री और एंगल ए ए, इसके लिए क्या है बेस है ए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है ए सी। ओके अब देखो हमने क्या करना, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए वन प्लस टेन स्क्वायर, ये चाहिए टेन स्क्वायर, टेन चाहिए, टेन क्या होता है टेन होता है पी बाय बी होता है पी बाय बी। ओके एंड बेस नीचे में क्या है बेस, बेस इसमें क्या है ए बी है, तो ए बी से ऑन बोथ साइड डिवाइड करना होगा, ए बी के स्क्वायर से ऑन बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बी सी है तो यहाँ क्या आएगा बी सी है डिवाइड बाई ए बी, बी सी है क्या बेस है, बी सी क्या है सॉरी बी सी आपका पी है परपेंडिकुलर है और ए बी क्या बेस है, तो पी बाई बी क्या होगा टेन हो जाएगा, टेन ये मुझे टेन आ जाएगा, तो हम लोग क्या करें दोनों साइड, पहले बार क्या था हमने ए सी स्क्वायर से ऑन बोथ साइड हमने डिवाइड किया, अब किससे करेंगे ए बी स्क्वायर से करेंगे, ए बी स्क्वायर से इसलिए कर रहे हैं मुझे टेन चाहिए, टेन टेन ए चाहिए, तो टेन ए के लिए यहाँ पे ए बी के बेस है तो बेस से आपको डिवाइड करना होगा, पी में जब बेस से डिवाइड होगा पी बाई बी टेन हो जाएगा, चूँकि ये परपेंडिकुलर है पी है तो ए बी से ऑन बोथ साइड डिवाइड कर दो, क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ए बी के स्क्वायर से क्या करेंगे बच्चे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करो ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर। ओके अब देखो बच्चे ए बी स्क्वायर ऊपर भी कट गया, कट गया वन आ गया, अब इधर क्या आएगा वन हो गया प्लस, अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा ए सी डिवाइड बाय ए बी का होल स्क्वायर। ओके ठीक है तो अब देखो बच्चे
अब बी सी है क्या, बी सी आपको यहाँ पर पी है और ए बी क्या बी है, तो दिस इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे, वन प्लस बी सी आपका पी है, ए बी क्या है बी है बेस, तो स्क्वायर इक्वल टू ए सी आपका एच है हाइपोटेनियस है और ए बी क्या है आपका ए बी बेस है बी है का स्क्वायर। ओके तो अब देखो दिस इंप्लाई दैट पी बाई बी क्या होता है टेन होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस क्या होता है टेन और एंगल क्या ए है, तो वन प्लस टेन ए का स्क्वायर इक्वल टू एच बाई बी क्या होता है, देखो बी बाय एच होता है कॉस होता है कॉस ए, इसका डिस्पोकल करो तो एच बाई बी आएगा, तो एच बाई बी क्या होगा सेक हो जाएगा सेक ए, ये सेक ए इक्वल है। ओके लिख दो इक्वल टू सेक ए का स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया प्रूफ, देयरफॉर वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल हो गया सेक स्क्वायर ए। ओके ये आपका प्रूव्ड हो गया सेकेंड पार्ट, यहाँ पर लिखना चाहो लिख दो, सिंस टेन ए इक्वल होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी के जगह पर हमने टेन लिख दिया और सेक ए होता है एच बाय बी, एच बाय बी, तो एच बाय बी के जगह पर एच बाय बी के जगह पर क्या लिखा सेक लिख दिया, तो हो गया प्रूफ हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। आते हैं थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है आपको प्रूफ करना है, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ओके कॉट क्या होता है, देखो कॉट ए होता है बी बाई पी होता है, पी नीचे होता है डिनोमीटर में, इसका मतलब पी परपेंडिकुलर से डिवाइड करना होगा ऑन बोथ साइड, तब तो पी नीचे आ जाएगा, तो पी देखो पी है क्या यहाँ बी सी है बी, बी सी क्या है पी है। ओके आइए सर नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट फिर वही लिखेंगे, इन राइट एंगल ए बी सी पी जी टी यूज करेंगे बाय पी जी टी, वही डायग्राम बनाना बना लो, ए बी सी 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनियस है और एंगल ए के लिए आपका बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। ओके अब पी जी टी यूज करो, पी जी टी क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी स्क्वायर, हम दोनों साइड आप किससे डिवाइड करेंगे, एक्चुअली मुझे चाहिए बी बाई पी चाहिए, बी बाई पी कॉट चाहिए, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट ए, तो पी यहाँ पे क्या है बी सी, बी सी ऑन बोथ साइड डिवाइड करना होगा तब तो पी नीचे आएगा, पहले बार हमने ए सी किया था ए सी स्क्वायर से, दूसरी बार हमने क्या किया ए बी के स्क्वायर से डिवाइड किया, अब तीसरे बार बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ओके अब नाउ हम क्या करेंगे डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर दो बी सी के स्क्वायर से। ओके करो तो इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो कितना आएगा ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी के स्क्वायर। ओके तो दिस इंप्लाई दैट अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे बी सी के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया ऊपर वन आ गया, दिस इंप्लाई दैट यहाँ क्या आएगा ए बी डिवाइड बाय बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ वन हो गया इक्वल टू यहाँ आएगा ए सी डिवाइड बाय बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे ए बी बाय बी सी, ए बी है क्या बेस है आपका एंगल ए के लिए, अब बी सी आपको परपेंडिकुलर है तो हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं प्लस वन इक्वल टू ए सी क्या आपको हाइपोटेनियस है डिवाइड बी सी क्या आपका परपेंडिकुलर है का होल स्क्वायर, देख लो डायग्राम बी सी आपका परपेंडिकुलर है। ओके
तो बी सी की जगह पर हमने पी लिख दिया। बी सी की जगह पर क्या लिख दिया, बी सी की जगह पर हमने क्या लिखा, पी। और जो ए बी है, बेस है, तो उसकी जगह पर हमने बी लिख दिया, बेस। आप जानते हो बेस बाय परपेंडिकुलर तो कॉट, दिस इंप्लाई दैट कॉट ए का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू हो गया एच बाय पी। देखो पी बाय एच होता है बच्चे साइन ए, इसका रेस्पोगल करोगे तो क्या आएगा, कॉस कोसेक हो जाएगा, एच बाय पी क्या होता है, कोसेक ए हो जाएगा। तो एच बाय पी क्या है, कोसेक ए है, कोसेक ए। तो कितना आ गया, कोसेक ए का स्क्वायर, यहाँ चाहो लिख लो साइड में। तो सिंस कॉट ए होता है एक्चुअल में बी बाय पी, और कोसेक ए होता है एच बाय पी। ओके, ये कंसेप्ट यूज किया हमने। तो बी बाय पी के जगह पर हमने कॉट ए लिख दिया, और एच बाय पी के जगह पर क्या लिखा, कोसेक ए लिख दिया, कोसेक ए लिख दिया। तो आ गया तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना था। देयरफॉर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल हो गया कोसेक स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके, ये आपकी थ्री आइडेंटिटी है, तीनों आइडेंटिटी आप यहाँ लर्न करनी है। अब प्लस कैसे प्रूफ करते हैं, बस पीजीटी यूज करते हैं। तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ए सी अगर हाइपोटेनियस है, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। जब हम ए बी का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल हो गया सेक स्क्वायर ए। और जब हम बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल हो गया कोसेक स्क्वायर ए। ओके।